वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज है गुरुवार, तो घर पे पूजा था, पूजा ख़त्म कर लिया। साथ में कुछ मेहमान आए थे, उनको बस स्टॉप पे छोड़ के मैं घर चला आया। और मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ, और साथ में कुछ काम भी था जिसे मैं सोने के बाद ही करूँगा। भाई अभी तो मन नहीं कर रहा है, थक गया हूँ बहुत। तो अपना दोरो बुक्कू और ओरियो को खाना खाने के लिए दे दिया है। कल मैंने एप्पल नहीं लाया, मेरे को ऐसा लग रहा था भाई, कुकू ऐसा हो रहा था, मेरे को देख के मेरे ऊपर चिल्ला रहा था भाई, एप्पल कहाँ है, एप्पल कहाँ है। जैसे ही एप्पल लग के दिया ना, वो बहुत शांति हो गया भाई। अभी ओरियो मेरे साथ है, देखते हैं ओरियो का क्या रहा। इसको रख दिया है यहाँ पर, और ये मेरा बेड है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा अनकंटेबल फील कर रहा है भाई, कुछ नहीं। अभी यहाँ पे फैन लगा है, फैन को मैं चालू कर दूँगा, थोड़ा सा गर्मी लग रहा है भाई। तो इसको खाना खाने के लिए दिया था, खाना खा लिया है, और साथ में थोड़ा सा वाटर भी दे दिया है। अभी देखो कैसे घूर रहा है, मिट्टू टच करने को दे रहा है भाई, बहुत अच्छा है भाई। झूला बनाया है उसके लिए, देखो गुस्सा हो गया। अभी सोने का टाइम है, चलिए इसको सोने के लिए देते हैं। दो तीन दिन से मेरे साथ एक स्कैम जैसे चल रहा है, एक बंदा फ़ोन कर रहा है बार बार और पैसे की बात कर रहा है, पैसे तो मेरा नहीं, तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, पुलिस कंप्लेन कराऊं या कुछ कराऊं, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या करूं भाई। ये दो तीन दिन से मेरा जीना हराम करके रख दिया है भाई, कौन है मेरे को भी याद नहीं आ रहा है कौन है भाई, जो मेरे से बार बार पैसा मांग रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे मैं उसको जो सिर्फ कॉल करके यही बोलता है कि मेरा पैसा कब देगा, नहीं तो मैं तेरे को कुछ भी करूँगा रास्ते में, बस इतने में कॉल कट। दो तीन दिन से ये नंबर मेरे पास आ रहा है, हर दिन कुछ नए नए नंबर से भी कॉल करता है, पता नहीं पुलिस से बात करना पड़ेगा। और एक दिन देखता हूँ ये क्यों कॉल कर रहा है, क्यों मेरे को कॉल करके डिस्टर्ब कर रहा है भाई, पूरा सोने नहीं दे रहा है। अभी कॉल किया था 2 बजे दिन के, कौन करता है भाई, कौन भाई बोल रहा है कि मेरा पैसा दो नहीं तो तुमको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे धमकियाँ दे रहा है भाई। मैं बहुत टेंशन में, घर पे भी बता नहीं सकता क्योंकि घर का टेंशन बहुत बड़ा, घर का टेंशन है भी ज़्यादा है, तो घर पे ये बताऊंगा तो और भी टेंशन हो जाएगा भाई। ऐसा मत करो भाई, मेरे साथ मेरा नंबर वंबर लीक हो गया क्या, नहीं तो ऐसा भी नहीं हुआ। कौन ये फ़ोन कर रहा है मेरे को बार बार और बोल रहे हैं तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करूँ, कौन है ये बंदा। सबको अनुरोध करता हूँ कि आपके साथ ऐसा भी होगा तो बिल्कुल फोन पे या गूगल पे का नंबर नहीं दीजिए, जितने का आपका मेहनत का पैसा होगा ना वो सब पानी में चला जाएगा भाई, ऐसा ही होने वाला है। तो आप किसी को नंबर वंबर मत दो, मेरे को बहुत टेंशन लग रहा है, क्या है कौन सा बंदा है ऐसा कर सकता है। चलिए पिताजी से थोड़ा बात करके देखते हैं। अभी मैं घर पर आ चुका हूँ और बहुत ज़ोर से थकान भी लग रहा है भाई, पूरा थक गया हूँ, साथ में कुछ खाया भी नहीं है, भूख लगा है बहुत ज़ोर से, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ क्योंकि 9 बजे का खाना का टाइम है। तो अभी बज रहा है कुछ 8:30, फटाफट से काम ख़त्म करके अपना ड्रेस सब साफ करने के लिए देने का है, साफ करने के बाद आप लोग खाना खाएंगे। आज का दिन भी कैसे कैसे गुजर गया, हर एक दिन मुश्किल रहता है भाई, पता नहीं बाइक की खत कब आएगा मेरी ज़िंदगी में भाई, पूरा टेंशन ही टेंशन लग रहा है। कोई बात नहीं, आप सभी ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, प्यार तो दिखाते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक नए ब्लॉग।